हाल होंगे, अल्लाह ताला आप सबको इसी तरह खुश खुर्रम रखे। सो दिस इज़ योर होस्ट फरियाल एंड आई एम फ्रॉम हैदराबाद पाकिस्तान। सबसे पहले मैं आज ईद की तैयारियाँ तो अब सबसे पहले हम हसन से पूछते हैं कि हसन ईद पर क्या पहनने वाले हैं। पहले हसन आप अपनी ड्रेसिंग हमें बताएं, क्या करेंगे ईद पर ड्रेसिंग? बकरीद तो उसे ज़्यादातर हमने मीन्स ये देखें कि लड़कों की धोती और बनियान होती है। अब आप बताएं, बनियान और शलवार, ये हसन की बकरीद पर ड्रेसिंग है। चलो ठीक है, और आपकी क्या क्या प्लानिंग्स हैं कुर्बानी के बाद? आपके क्या प्लान्स हैं अपने दोस्तों के साथ? पहली ईद पे तो मुश्किल है, बहुत काम होता है। तेज़ बोलो। पहली ईद पे मुश्किल है, थोड़ा काम होता है। दूसरी ईद पे बारबेक्यू, तीसरी ईद पे बारबेक्यू, चौथी ईद पे बारबेक्यू। पहली ईद पे मुश्किल है, दूसरी, तीसरी, चौथी, चौथी कहाँ से ईद आ गई, तीन होती हैं, तीन ईद ये जो है बारबेक्यू करेंगे। किसके साथ? दोस्तों के साथ। बहनों के साथ नहीं करना है? बताती हूँ अभी अम्मी को, दोस्तों के साथ। आता ही नहीं। क्या कह रहे हो? हम लोगों को आता है, अच्छी तरह आता है, वो तो हमें पसंद नहीं है। बारबेक्यू करना जलाने की बात नहीं है, वो पता नहीं क्या अजीब सी होती है, अच्छी नहीं लगती, बस साफ बात ये है। कैमरा थोड़ा सा। हाँ जी हसन, तो अपने अपना वो बता दो, इंस्टाग्राम आ जाएंगे भाई, आ जाएंगे, मैं दे दूँगी लिंक, आप बताओ तो एक बार भाई। मोहम्मद हसन 3339 हसन का इंस्टाग्राम है। ये हर बार रिग्रेट होता है कि कोई आता तो है नहीं, फजूल में आप बोलती हो, तो नहीं इस बार आ जाएंगे, बस अब आप दफ़ा हो सकते हैं हसन, अल्लाह हाफिज़। सेकंड कंटेस्टेंट हमारे पास हैं ओगी। ओगी अब आप बताएं आप ईद पे क्या पहनेंगे? ओगी के लिए मैं जो गले में होता है ना, जो वेटर्स पहनते हो रेड कलर का, वो लेके आऊँगी। ओगी की शॉपिंग ये होगी ईद की, और ओगी के कोई भी प्लान्स नहीं है, ये बस हमारे साथ ही घर में रहेगा। और ये ओगी ऐसे अभी लाए कि ये गोश्त को हल्का सा सूंघता भी नहीं है। ओगी फर्दर स्टार्ट और कंटिन्यू हम करते हैं, उससे पहले ये ही का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और स्क्रीन पर भी नाम नज़र आ रहा है कि फरीका किचन। इस चैनल पे जो है इनके मोनेटाइजेशन के लिए सिर्फ इनका वॉच आवर टाइम जो है रहता है, इनके सब्सक्राइबर्स तो माशाल्लाह से 2000 तक हो गए हैं। तो इनकी जो भी आपको ज़्यादा बड़ी वीडियो लग रही है, अगर देखनी भी नहीं है तो बस आप लगा के वो वीडियो छोड़ दें, ताकि इनका वॉच टाइम कम्प्लीट हो जाए और इनका चैनल मोनेटाइज हो जाए। ठीक है, ये एक स्टूडेंट है और ये बहरीन में रहती हैं, तो इनके चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, फरीका किचन। इनका नाम क्या है? फरा। चलें जी, तो हाय बाजी। हाँ। तुम क्यों बज रही हो? घंटी बज रही है तुम्हें बजाने से। ओगी नीचे क्या कर रहा है? अभी लाइट नहीं है, रात का टाइम हो रहा है, भूल गया मैं थोड़ी कुछ। और हम लोग जो है यहाँ छत पे बैठे हैं, ये ओगी है, नीचे नजर नहीं आ रहा। ओगी तंग कर रहा है जी। फायजा क्या कर रही हैं आप? ऑनलाइन क्लासेस ना, फायजा की कमर हड्डी रीढ़ सब तोड़ा हुआ है। असाइनमेंट बना रही हो? आपकी पिक्चर तो नजर आ गई। अच्छा जी, तो क्या असाइनमेंट बना रही हैं आप? मैं हिलना नहीं, अब इमोजी लगाने में मुझे मसला होता है, हिलना नहीं, बस सही है, सही है, सही है। क्या क्या बना रही हैं? एनालिटिक का असाइनमेंट, जो भी होगा, वट एवर, मुझे क्या इससे अरी फायजा, मुझे क्यों बता रही हो? जाओ यहाँ से, अपना काम करो। सही है, इतनी शरीफ ये है नहीं है जितना बन के दिखा रही है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, चैलेंज बताएं आप अपनी बताएं आप अपनी ईद की तैयारियां, क्या पहनने वाली हैं आप इस बार ईद पे? घाघरा चोली नहीं, वैसे फ्रॉक का है प्लान, बाकी मम्मा की मर्जी। मम्मा की मर्ज़ी, पहली बात तो ये है कि मम्मा की मर्ज़ी के कपड़े सिर्फ मैं पहनती हूँ, बाकी ये तीनों अपनी अपनी डिज़ाइनिंग करवाती हैं, जो ये हर व्लॉग में कहती है ना मम्मा की मर्ज़ी। बताएं आगे क्या, किस तरह की फ्रॉक पहनने का आपका आइडिया? मेरा फुल फुल मैक्सी टाइप। अच्छा जी, मैं हिलने से मना कर रही हूँ ना, ओगी को लेकर आऊँ। ओगी नहीं आ रहा, हिलो नहीं, ओगी इधर आओ, चेहरा आ गया ना फिर मुझे नहीं कहना। और आपके प्लानिंग क्या क्या है इस पर? कोई घूमना शूमना है? हाँ ना, शुभ भाई आपके शुभ भाई आएंगे उनके साथ घूमने का है। अच्छा सही है, लाइट भी आ गई है वैसे। थैंक यू सो मच आपके फजूल टाइम के लिए, अल्लाह हाफिज़। वालेकुम। तेज बोले। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हो? तो अब हमारे साथ हैं अरीबा। अरीबा हिलना नहीं, अगर इमोजी डिस्टर्ब हुआ ना मैं थप्पड़ लगा दूंगी मुंह पे। अरीबा इमोजी क्यों लगवाया इस बार वीडियो में? वैसे तो आप आराम से आ जाती हैं। क्योंकि मेरी हालत सही नहीं है। क्यों, आपकी हालत को क्या हो गया? आपके बालों में बम फटा हुआ है, आपके मुंह पे अरीबा हिलो नहीं, ये क्या है फायदा? अपने आप को अगर दिखाना चाह रही हो मतलब बस पागल है ये, बहुत सारी बहनों में एक होती है। अरे ये देखो ना, मैंने अपना थम रखा हुआ है, पता है मुझे, लेकिन बराबर में तो ब्लर आ रही हूँ ना। हाँ तो भले, हाँ तो भले है ना, बस मेरी वीडियो बन रही है प्लीज। सही है, तो आपकी वीडियो में मुझे क्या पूछना था आपको? पता है, भूल गई मैं। ईद
ईद क्या, ईद ही देने वाली हो इस बार तो मुझे। अरीबा, मुझे अगर पैसे उधार लेने होते ना तो वो घर में सिर्फ अरीबा है जिससे मैं उधार लेती हूँ पैसे, और किसी के पास होता ही नहीं। सारे भी लेती हूं। नहीं, मैं सिर्फ अरीबा से लेती हूँ उधार, और जिसको वापस भी कर देती हूँ, क्योंकि मैं बड़े बड़े उधार लेती हूँ उससे। जाहिर सी बात है, तभी वापस करती हूँ टाइम पे, ताकि वापस भी ले सकूँ। चलो अरीबा बताओ, ईद पे क्या ड्रेसिंग का सोचा है आपने? ये मत कहना कि जो अम्मी बोले, क्योंकि ये बात मैंने पहले क्लियर कर दी है कि अम्मी की मतलब की ड्रेसिंग सिर्फ मैं करती हूँ, आप लोग नहीं करते हैं। आप आगे बोलें, ये अपने आप को अच्छा अपने चाहिए। अब आप आगे बोलें, तो आप करती हैं अम्मी की पसंद की सिर्फ? जी आगे बोलें, इमोजी हटा दूंगी ज्यादा बकवास की। बोलो, और अगर इमोजी नहीं लगाना, क्यों आ रही हो कैमरे में? बोलो क्या ड्रेसिंग के हवाले से बताओ, क्या ड्रेसिंग करने वाली हो? हाँ बोलो अरिबा, होगी जो अम्मी ने, वैसे मैंने छोड़ो छोड़ो, अम्मी ने बनवाया है ब्लैक कलर का, अम्मी लेकर तो आई थी जो आपका था, जो कि मैंने ले लिया है, तो वो ही ना, अम्मी ने जब उसकी डिजाइनिंग बताई थी तो मैं वो पसंद आ गया। हाँ अम्मी ने उसका बताया तो मुझे वो अच्छा लग गया। अच्छा जी, सही है। और एक पैक हो घूमने का प्लान चलेना आपका? क्यों आ रही हो बार बार कैमरा में, फिर कहोगी मुझे ले लिया कैमरा? मेरी बात सुन रहा? सुन रही हूँ, बोलो। जो गेस्ट होता है उसकी आप बात सुनती नहीं है यहाँ। अरे बोले अरीबा, ऐसे हाँ। कोई रहकर कोई ब्लॉगर नहीं बन सकता। अरीबा बोले, अरीबा मैं शाम से शिकायत कर दूंगी, बोलो वरना। ये वही फॉर्मूला जो मैम ने अभी बोलो क्या कह रही थी। हाँ वैसे मेरा कोई खास प्लान्स होते नहीं है, बहुत सारी ऑफर्स होती है, लेकिन मैं मूव नहीं करो, इतना मैं पहले ही बता रही हूँ। रिजल्ट्स में तो कौन कौन ऑफर देता है तुम्हें? एक मिनट क्या हो गया फायजा, क्यों बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ मैं? बदतमीज बताएं तो, आपने कहा कि आपको बहुत सारी ऑफर्स होती हैं आपके प्लान्स की, कौन देता है? क्या मेरे साथ चले? फायजा की भी दी हुई है ये ऑफर, फरिया को भी दी हुई है, और अरिबा को भी, और सबको पर्सनली ऑफर ताज़ा मुझे दी है। सही है, और आगे दूसरी मेरी फ्रेंड्स ऑफ इतना कहती हैं कि आ जाओ या हमें बुला लो, लाइक ना ही मैं इंटरेस्ट देती हूँ ना वो जाती हूँ। अच्छा, और तीसरी बहुत आई हुई है, बहुत में से सिर्फ दो नजर आ रही है। फैमिली को ही लेकर आ जाओ, कायनात बाजी नाना सब इतना बुला रहे हैं मुझे। अच्छा, सिर्फ तुम्हें नहीं बुला रहे, वो सबको बुलाते हैं, मुझे बुला रहे हैं। अरे मेरे पास बिल्कुल भी फालतू टाइम नहीं है कि मैं तुमसे बात करूं, जा सकती हूँ यहाँ से। जी तो आपने देख लिया इन सबके रिव्यूज, ये लोग ईद पे क्या पहनेंगे और कहाँ जाएंगे, और ऑब्वियसली ये लोग जो इनके शिव भाई के साथ जाएंगे तो मैं भी उनके साथ ही जाऊंगी। होगी इधर आओ, अगी को पता नहीं क्या हो गया, इसने कैट फूड जो है ना कुछ ज़्यादा ही ओवरलोड कर लिया है, तो इसने आज पूरा दिन वॉमिटिंग की है और कुछ नहीं किया है, इसकी तबीयत ख़राब है। खैर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है फरीक का किचन, ठीक है। मैं अपना बताती हूँ मेरा क्या है, मेरा जो भी ड्रेसिंग होती है, ईद हो शादी हो कुछ भी हो, मतलब शादी मेरी नहीं किसी की भी शादी हो या फिर कोई भी इवेंट हो, सारी ड्रेसिंग जो है मैं अम्मी के हिसाब से करती हूँ। अम्मी बस मुझे लाके सूट दे देती हैं पूरा ड्रेस करके, पूरा डिज़ाइन करके, मैंने बस वो पहनना होता है, मैं कोई चूचा नहीं करती, मैं बड़ी प्यारी बच्ची हूँ अपनी अम्मी की। उसके बाद ये कि हाँ, एक और चीज़, टिकटॉक पे ज़रा मेरी जो टिकटॉक आईडी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, हाँ चलो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे देती हूँ, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट पहुँच जाएंगे, तो उस आईडी पे जाना, ठीक है। जो जो यहाँ पे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हैं, जो जो मुझे डेली देखते हैं, वो सब उस आईडी पे जाएंगे, और फिर सर आईडी पे कुछ देखना कि उसमें कोई चेंजेस हैं या नहीं, और फिर वापस आके यहाँ कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोगों को क्या क्या चेंजेस नज़र आई हैं उस आईडी पे, ठीक है। मैं कुछ नहीं बता रही, पहले की आईडी याद करिएगा कि पहले क्या था उसमें और अब क्या है, क्या डिफरेंट है दोनों चीज़ों में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है फरीक का किचन, ठीक है। ये बहरीन के हैं, स्टूडेंट है, वो भी मैट्रिक क्लास के, अभी मेरे ख्याल से अब वो भी प्रोमोट हो गई होंगी, तो उनके मोनेटाइजेशन के लिए से पोस्ट टाइम चाहिए, तो आपने उनकी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा देखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है। और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए एक और बात बता देती हूँ मैं ये कि ईद पे जो है मेरे ससुराल वाले आ रहे हैं फाइनली, तो आप लोग बहुत कहते हैं कि अपने ससुराल क्यों नहीं जाते या वो लोग क्यों नहीं आते, तो वो अब ईद पे आ रहे हैं, ईद के सेकंड डे आएंगे, तो अब व्लॉग का तो मुझे नहीं पता, मेरी तो बोलती बंद हो जाती है। अब अरिबा से कह दूँगी, अगर अरिबा ने कैमरा संभाल लिया और अरिबा ने अगर बना लिया तो ठीक है, मैं बाद में वॉइस ओवर कर दूँगी, अदरवाइज़ मैं खुद उनके सामने कैमरा लेके व्लॉगिंग नहीं कर सकती, बाकी अल्लाह मालिक है, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।